जी, तो इनहेरिटेंस के बारे में इन जनरल जो कहा जाता है, इट इज द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ ऊप, क्योंकि ये इनहेरिटेंस, अगर आप ऊप को इन जनरल देखें तो जो ऊप है इसके 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है, जो इन जनरल इसको थियोरेटिकली कहा जाता है, देर आर 3 पिलर्स ऑफ ऊप, जिनमें से सबसे पहला इनकैप्सुलेशन है। तो आज तक हमने, आज के लेक्चर से पहले तक हमने जितना कुछ पढ़ा है, इट्स इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि हमने डिफरेंट डेटा मेंबर्स को, इनफैक्ट सबसे पहले हमने क्लासेस आइडेंटिफाई की, हमने अपने सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया कि उसके अंदर हमने हर चीज को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ क्लासेस डिफाइन किया। उसके बाद हमने क्लासेस को डिफाइन करने के बहुत से तरीके देखे, डेटा मेंबर्स कैसे ऐड होते हैं, किस टाइप का डेटा मेंबर ऐड होता है, कॉन्स्टेंट हो तो कैसे करते हैं रीड, और कॉन्स्टेंट फंक्शंस क्या करते हैं। तो ये जनरल क्लास बनाने से रिलेटेड ही, ताकि हम सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो किसी क्लास की है उसको किस तरीके से एक पैकेज में ऐड कर सकते हैं। एक पैकेज बन गया। फिर उसके बाद हमने जब कंपोजिशन भी की, तो कंपोजिशन में भी अगर आप देखें तो क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स ऐड करने की ही बात कर रहे थे, तो वो भी इनकैप्सुलेशन ही थी। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये कि चीज़ों को कंबाइन करके एक बॉक्स में डालना, फिर ये भी डिसाइड करना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगी। तो हमने वो एक्सेस स्पेसिफायर्स भी देखे कि पब्लिक प्राइवेट, हमने डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को रखा, मेंबर फंक्शंस को हमने पब्लिक रख दिया, कुछ को प्राइवेट भी बनाया। तो ये सारा जितना भी कंटेंट है, ये सारा का सारा जो इसका पहला पिलर है ऊप का, इनकैप्सुलेशन उसमें आता है। अच्छा, उसके बाद जो आज हम शुरू करने लगे हैं, ये ऊप का सेकंड पिलर है। यानी कि अगर हम क्लासेस या अपने डिजाइन को ज्यादा अच्छा बनाना चाह रहे होते हैं, तो हमें बहुत सी जगहों पे सिर्फ इनकैप्सुलेशन से काम नहीं चल रहा होता, हमें कहीं पे एक सेकंड पिलर इनहेरिटेंस की जरूरत भी पड़ती है। आज के लेक्चर में, और इनफैक्ट इस वीक के तीनों सेशंस में, हम इनहेरिटेंस को ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक से ऊप का थर्ड पिलर, जिसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जो कि इनहेरिटेंस के ऊपर ही बिल्ड ऑन होता है, कि हम इनहेरिटेंस को मजीद मजीद पावरफुल करने के लिए हम उसके अंदर एक और एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, जिसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो जब ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, तो हमारा डिजाइन इन जनरल अगर कहा जाए, तो वो बहुत अच्छे पावरफुल स्केलेबल सिस्टम्स बनाने के काबिल होता है। हमारी सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज होती है कि कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ये है कि हम कोड कितना अच्छा लिख रहे हैं, यानी उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर कोड को हम जब भी कोई नया सिस्टम बनाना होता है, जीरो से स्क्रैच से लिखना शुरू कर दें, तो हर दफा अपने कोड को एंड टू एंड टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि जो भी चीज आपने नहीं बनाई है, उसको पूरा का पूरा टेस्ट करना पड़ेगा, उसकी थॉरली डिटेल टेस्टिंग होगी, और वो टेस्टिंग हर दफा फिजिबल भी नहीं होती, और कभी कभी उस टेस्टिंग में जितनी मर्जी आप मेहनत कर लें, तब भी बहुत सी चीजें रह जाती हैं। तो इन दैट केस जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो ये होती है कि हम प्रेफर करते हैं कि हम अपने पुराने कंपोनेंट्स, जितने भी हमने डिवेलप किए हैं, अगर वहां से कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ कोड रीयूज हो जाए, तो हमारे लिए बेहतर है। ये हमारे कोड की क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है, हमारे कोड के ऊपर जो एफर्ट लग रही है उसको भी कम करता है, हमारे कोड के मेंटेन करना, यानी कि अगर हमने कोड को एक्सटेंड करना है, उसमें नए फीचर्स ऐड करने, एक तो उसकी क्वालिटी बेहतर, एक उसमें एफर्ट कम, तो ओवरऑल विन विन सिचुएशन है हर तरफ से। तो जब हम प्रॉपरली ऊप को ऐड कर लेते हैं, इन सारे पिलर्स को ऐड कर लेते हैं, तो हम इस तरह के डिजाइन बनाते हैं जो कि इजीली एक्सटेंसिबल, मेंटेनेबल होते हैं, और जिनके जिनको हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में इनफैक्ट सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज है, वो यही रीयूजेबिलिटी ही है। तो कैसे है एक्चुअली, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख ले, तो कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे रियल लाइफ में इनहेरिटेंस होती है, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या इनसे ऊपर जो भी आपकी फैमिली की लाइनेज होती है, उसमें आपकी फैमिली के पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज जनरेशन टू जनरेशन आगे पास ऑन होते होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो पास ऑन होते हैं, तो उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल, जैसे रियल लाइफ में हम इनहेरिटेंस देख रहे होते हैं, ये उसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम फीचर्स को इनहेरिट करने की बात कर रहे हैं, कि हमने एक क्लास बना ली, एग्जिस्टिंग क्लास, जो क्लास बड़ी वेल थॉरली टेस्टेड और यूज हुई है पहले से, और हमें पता है कि ये बिल्कुल ठीक चलती है, फंक्शनैलिटी ठीक है, ब्रेक नहीं होती, इसमें कोई एरर्स नहीं है। तो अब ये जो फंक्शनैलिटी हम आगे अगर इसी को रीयूज करें, तो इनहेरिटेंस के थ्रू कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम एक नई क्लास बनाएंगे जिसमें कुछ इनहेंस फंक्शनैलिटी होगी डेफिनेटली, और पुरानी क्लास से सिमिलैरिटीज भी होंगी। तो
हम कहेंगे अच्छा जो पुरानी क्लास में लिखा था वो एज इट इज इस क्लास का पार्ट बन जाए, प्लस हम एडिशनल कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि हम पुरानी क्लासेस से नई क्लासेस बना रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। तो कैसे बनाते हैं इसके ऊपर हम सिंटेक्स पे भी जाएंगे। तो पहले थोड़ी सी मजीद देख लेंगे क्या कुछ, जब हम इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप दो क्लासेस के बीच में या दो कॉन्सेप्ट के बीच में या दो एंटिटीज के बीच में डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, क्या कुछ इनहेरिट हो जाता है फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। तो एग्जिस्टिंग क्लास में जो कुछ है, असल में जो रूल है वो ये है कि उसमें जो कुछ है, यानी कि जितने भी डेटा मेंबर्स हैं या जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं, ये सब के सब आपकी न्यू क्लास में, जिसको जिसमें आपने इनहेरिटेंस डिफाइन की है कि न्यू क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास, तो वो जो न्यू क्लास है उसमें एग्जिस्टिंग क्लास के सारे डेटा मेंबर्स और सारे फंक्शंस ऐड हो जाते हैं बाय डिफ़िकल्टी से, मतलब इनहेरिटेंस रिलेशनशिप डिफाइन करने से ही ऐड हो जाते हैं, आपको उसमें नया कुछ नहीं करना स्पेशली। और उसके बाद जब आप उस फंक्शनलिटी को इनहेरिट कर चुके होते हैं तो एडिशनल चीजें जिसको आप इन्हेंसमेंट्स इन दी प्रीवियस फंक्शनैलिटी कहते हैं, यानी कि इन्हेंसमेंट जो है ये हम तब भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नई क्लास नई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर सकती, ऑफकोर्स पुरानी को यूज करने के बाद नया कुछ ऐड करेगी तो ही बात बनेगी, तो इन्हेंसमेंट अलाउड होती है उस वक्त भी, तो नई क्लास एक्स्ट्रा चीजें ऐड भी कर सकती है। ठीक है जी। तो नए डेटा मेंबर्स और नए फंक्शंस भी ऐड हो सकते हैं। तो अब कुछ टर्म्स पे चले जाते हैं। यहाँ पे जो इनहेरिटेंस में टर्म्स यूज होती हैं उनमें जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसको बेस क्लास भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि ये सब कुछ एग्रीगेशन में भी तो होते हैं। ठीक है। देखिए एग्रीगेशन में जब हम कहते हैं तो एग्रीगेशन एक टाइप का रिलेशनशिप है जिसमें हम जैसे लेगो ब्लॉक्स होते हैं, हम एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखते हैं, दूसरे ब्लॉक के ऊपर तीसरा ब्लॉक रखते हैं, और हम कहते हैं कि जी हम चीजों को कंबाइन करके एक बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी बना लेंगे। ठीक है। लेकिन दिस इज वन वे ऑफ डिजाइनिंग अ क्लास, कि ऐसा हो सकता है कि आपकी क्लास वाकई इस तरह से बनी हो कि एक स्पेसिफिक कंपोनेंट उठा के क्लास में ऐड करें, दूसरा कंपोनेंट उठा के ऐड करें एज पार्ट, तो आपकी क्लास मल्टीपल पार्ट से मिल के एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है। जैसे कि अभी हम इनहेरिटेंस देखेंगे तो ये पार्ट वाला रिलेशनशिप नहीं हो गए कॉन्सेप्ट्स के अंदर, उनका रिलेशनशिप एग्रीगेशन वाला हो गए नहीं, हम ऐसा कह ही नहीं सकेंगे कि ये जो पुरानी फंक्शनैलिटी है दिस इज पार्ट ऑफ द न्यू फंक्शनैलिटी। हम कहेंगे नहीं, पुरानी फंक्शनैलिटी ही हमें चाहिए न्यू क्लास के अंदर, लेकिन हम उसका पार्ट नहीं कह रहे कि न्यू क्लास के अंदर पुरानी क्लास जो है उसका पार्ट। मैं एग्जाम्पल्स अभी दिखाऊंगा, आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि वहां पे एग्रीगेशन जो है वो सेंस नहीं बनाएगी। अभी थोड़ा सा लेक्चर को आगे चलने दें तो एग्जाम्पल्स आएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्रीगेशन वहां पे सेंस नहीं बनाती। तो जो एग्जिस्टिंग क्लास थी उसको बेस क्लास भी कहते हैं, इसके साथ एक और नाम भी होता है, कहते हैं पेरेंट क्लास। जब इनहेरिटेंस की बात करें तो पेरेंट का वर्ड शायद ज्यादा सूट भी करता है, तो हम यहाँ पे या तो बेस क्लास कहेंगे इसको या पेरेंट क्लास कहेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो न्यू क्लासेस हैं उनको हम डिराइव क्लासेस या चिल्ड्रन या चाइल्ड क्लासेस कहेंगे, तो पेरेंट के चिल्ड्रन या पेरेंट का चाइल्ड। ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से क्लासेस का नाम जो है या टर्म्स हम इस तरीके से यूज करेंगे, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, बेस क्लास, डिराइव क्लास, ठीक है, एग्जिस्टिंग क्लास, न्यू क्लास। अच्छा जी, क्वेश्चन आप ये पूछ रहे हैं कि जो डिराइव क्लास है अगर ये इनहेंस क्लास है बेस क्लास से, तो हम बेस क्लास को डिस्कार्ड क्यों नहीं कर देते और सिर्फ डिराइव क्लास क्यों नहीं देते। देखिए, बेस क्लास वो थी जो आज तक आपके सिस्टम में चल रही थी और उसकी जरूरत भी थी कभी। ठीक है। तो आपने पुराना सिस्टम ख़त्म तो नहीं कर दिया, वो अभी भी हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स में यूज़ हो रही हो, और जो आपने नई क्लास बनाई है वो किसी नई फंक्शनैलिटी के लिए आपने इम्प्लीमेंट की। एक्चुअली आपका सिस्टम इसी तरीके से डेवलप हो रहा होता है। और दूसरे वे में अगर आप देखें तो आप जब इनहेरिटेंस जब आप एक्चुअली क्लास अपना सिस्टम बना रहे होते हैं तो आप क्लासेस पहले आइडेंटिफाई करते हैं, आपको कुछ क्लासेस ऐसी लगती हैं कि उनमें सिमिलैरिटीज तो बहुत ज्यादा है लेकिन डिफरेंस भी है थोड़ा सा, तो उन क्लासेस के लिए आप कहते हैं जो कॉमन चीजें हैं, जो कॉमन उनके डेटा मेंबर्स या कॉमन फंक्शंस हैं, उन्हें मैं एक बेस क्लास में कंबाइन कर देता हूं, और उसके बाद उस बेस क्लास से अगर फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटीज हैं तो दो डिराइव क्लासेस निकाल लूंगा
और दोनों डिराइव क्लासेस उस कॉमन क्लास से फीचर्स ले रही होंगी। अब इन दोनों डिराइव क्लासेस के अंदर अपनी अपनी डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटी एडिशनल जो है वो आप डाल देंगे, लेकिन जो कॉमन बिहेवियर होगा या कॉमन डाटा मेंबर्स होंगे वो एक ही क्लास में आपने कोड किया। तो एक दफा कोड किया, दो डिफरेंट जगह पे यूज किया, उन दोनों डिफरेंट जगह जहां पे एडिशनल कुछ डालना था वो अलग अलग डाल दिया। ठीक है, तो बेस क्लासेस ऐसा नहीं है कि पुरानी क्लासेस हैं। कभी कभी आप सिस्टम ही ऐसे डिजाइन करेंगे कि कुछ क्लासेस बिहेव ही एज बेस क्लासेस करेंगी। उनका कभी आपने ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, लेकिन वो बनी इसलिए थी कि वो कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी अपने पास रखेंगी और नीचे जो क्लासेस डिराइव हो रही हैं उनसे वो डिराइव क्लासेस उनके आगे एडिशनल फंक्शनैलिटी डालेंगे। फिजान अभी आप थोड़ी देर अगर रुक जाओ, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो पहले मैं एटलीस्ट जब मैं अभी इनफैक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा था मुझे लग रहा था शायद 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो भी शायद ये बात भी नहीं समझ सके कि मैं जब डिराइव के साथ ऊपर वाली क्लास और नीचे वाली क्लास की बात कर रहा हूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें मैं ये एक्सप्लेन कर लूँ तो फिर आपकी ये क्वेश्चन खुद ही आंसर हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, इनफैक्ट जो एग्जाम्पल्स हैं वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि इनफैक्ट इनहेरिटेंस जब होती है तो हम कभी कभी ज़बरदस्ती इनहेरिटेंस जब कर रहे होते हैं तो ज़बरदस्ती हमारे पास कुछ चीज़ें हमें कॉमन रखनी होती हैं जो कि हमारी रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। तो ये टर्म्स ज़हन में रख लें, पेरेंट चाइल्ड बेस्ड डिराइव। इसके बाद जो हमारे अगर इसी तरह से देखा जाए तो जो अभी जिक्र भी हो रहा था कि बेस क्लास में कुछ कॉमन फंक्शनलिटी है, डिराइव क्लास उसका शायद स्पेशलाइज्ड वर्जन है। तो हमारे पास कुछ कॉमन फंक्शनलिटी जो हर जगह यूज हो जाएगी वो हमने एक जगह लिख दी, हमने कहा जी अच्छा ये फंक्शनलिटी अब जिस जिसको चाहिए होगा वो इस कॉमन क्लास से इनहेरिट कर ले और अपना एडिशनल कोड लिख ले। तो वो जो कॉमन है वो एक जगह पे लिखा हुआ है, अब इसको मेंटेन करना भी आसान है। अगर इसमें कोई इशू है, कोई एरर है तो एक जगह पे ठीक किया, जितनी भी डिराइव क्लासेस थी सब में ठीक हो गया। और ऑफकोर्स डिराइव क्लास नहीं बनाने में या स्पेशलाइज क्लास जो है वो नहीं बनाने में आपको टाइम भी कम लगा क्योंकि बहुत सारा कोड आपको ऑलरेडी रिटर्न मिल गया। तो रीयूजबिलिटी हमारी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस रीयूजबिलिटी के बहुत से फायदे हैं जो हमने भी पहले भी डिस्कस किए कि रीयूजबिलिटी आपकी कोड की क्वालिटी को बेहतर करती है। तो अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था कि आपके इनहेरिटेंस में बहुत सी इनफैक्ट सारे डाटा मेंबर्स और सारे फंक्शंस आपके इनहेरिट हो जाते हैं। तो कुछ फंक्शंस जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और असाइनमेंट ऑपरेटर का लिखे, ये इनहेरिट तो डेफिनेटली होते हैं, यानी कि डिराइव क्लास के पास भी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ऑपरेटर्स आ जाते, असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है, लेकिन फिर भी इनका यूज का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा बहुत ज्यादा। रीजन बीइंग कि जब हमने ये कहा कि आपकी जो डिराइव क्लास है वो कुछ एडिशनल चीजें भी ऐड करेगी, पहले जो पेरेंट क्लास थी उसके पास में भी 2-3-4 डेटा मेंबर्स थे, डिराइव क्लास ने उसके अंदर 2-3 और ऐड कर दिए। अब अगर यहाँ पे मैं बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज करता तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में या पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में तो सिर्फ वो 3-4 मेंबर्स जो उसके पास थे वो इनिशियलाइज हो रहे होंगे, डिस्ट्रक्टर में वही डीएलोकेट या डिलीट हो रहे होंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर में उन्हीं की असाइनमेंट हो रही होगी, बाकी जो नई फंक्शनलिटी उनके बारे में तो पता ही नहीं है बेस क्लास के इन तीनों फंक्शंस को। तो उस केस में ये तीनों फंक्शंस आपको अपनी डिराइव क्लास में रीडिफाइन करने पड़ेंगे, इसको ओवरराइडिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसी जो आपके पास इनफैक्ट ओवरराइडिंग इसको भी नहीं कहेंगे, ओवरराइडिंग असाइनमेंट वाले को तो आप कह सकते हैं, बाकी थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को ओवरराइड आप नहीं कहेंगे। ओवरराइडिंग का मतलब ये है कि सेम नाम से फंक्शन बेस क्लास में भी था, आपने डिराइव क्लास में उसी नाम से एक और फंक्शन बना दिया। अब जो आपका फंक्शन है वो डिराइव क्लास वाला भी है और बेस क्लास वाला भी डिराइव क्लास में है, दो फंक्शन हैं। तो जो बेस क्लास का फंक्शन है वो डिराइव क्लास ने ओवरराइड किया है। तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर डिराइव क्लास अपने लिखेगी और उनमें रीयूज कर सकती है वो बेस क्लास के, इनफैक्ट हर दफा वो रीयूज करती है बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को। हम देखेंगे आगे, इनफैक्ट आज के लेक्चर में नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जब भी डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो बेस क्लास की तरफ भी लाजमी कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन करने जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए ऑफकोर्स आपको कोड लिखना पड़ेगा उन डाटा मेंबर्स के लिए जो डाटा मेंबर्स आपके डिराइव क्लास में नए लिखे थे आपने, उनके लिए आपको असाइनमेंट लिखनी पड़ेगी। मे बी आप इधर से भी बेस क्लास का असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल करके जो पुराने डाटा मेंबर्स हैं जो बेस क्लास से थे उनको असाइनमेंट करवा सकते। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं इनको मैं एक्चुअली डिफाइन करना चाहूंगा दोबारा।
एक दफा एक एग्जाम्पल देख लें और उस एग्जाम्पल के बाद इन टर्म्स पे वापस आऊंगा। टर्म्स सिर्फ याद रख लें, डायरेक्ट बेस क्लास, इनडायरेक्ट बेस क्लास, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मैं एक एग्जाम्पल पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, इनफैक्ट अभी मैं आपसे दो तीन एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी टर्म्स वहां पे मैं डिफाइन करता जाऊंगा कि डायरेक्ट बेस क्लास क्या होती है, इनडायरेक्ट बेस क्लास क्या होती है, उसके बाद सिंगल इनहेरिटेंस कहाँ पे हो रही है, और एक्चुअली सिंगल बहुत सिंपल इनहेरिटेंस थी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस रिलेशनशिप भी बनते हैं जहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो रही होती है। तो मैं अगर उन एग्जाम्पल्स पे पहले चला जाऊँ तो ये इनफैक्ट एग्जाम्पल से पहले इसको डिस्कस करते हैं कि इनहेरिटेंस होती कब है। ये वो वाला क्वेश्चन आंसर होगा जो शुरू में पूछा था दानियाल आपने, एग्रीगेशन वाला। तो ये कंपेरिजन ही हम कर लेते हैं पहले कि एग्रीगेशन और इनहेरिटेंस का आपस में, कंपोजिशन और इनहेरिटेंस का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, एग्रीगेशन इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन, तो एग्रीगेशन, कंपोजिशन, एसोसिएशन तीनों एक ही जगह पे आती है, तो इनमें से रिलेशनशिप क्या है। तो जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम क्लासेस डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं कि एक क्लास है, इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं, हर पार्ट के हम इंडिपेंडेंट एक क्लास बना लेते हैं क्योंकि शायद उसकी कुछ फंक्शनैलिटी थी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखें, हमारे पास लिखा हुआ कार हैज एन इंजन, स्टूडेंट हैज एन। यहाँ से आपको याद आएगा हमने जब कंपोजिशन का लेक्चर पढ़ा था तो वहां पे हमने डिस्कस की थी कुछ कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स क्या थे कि आपके पास दो एंटिटीज या दो क्लासेस के बीच में हैज का रिलेशनशिप हो सकता है, पार्ट ऑफ का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ का रिलेशनशिप हो सकता है। हमने इस तरह की काफी सारी पांच छह टर्म्स देखी थी लास्ट लेक्चर में, तो उनमें से एक टर्म ये भी थी कि इज आ रिलेशनशिप। तो जब इज और हैज आ, ये दो रिलेशनशिप डिफरेंट मेन कैटेगरीज बनती है। हैज आ होता है जब भी हम कंपोजिशन कर रहे होते हैं, एन ऑब्जेक्ट हैज another object, या an object has another object as a data member. जैसे example है car has an engine, तो engine की में भी एक class है जो कि compose हुई है car के अंदर। तो car जब भी engine वाला कोई चीज access करना चाहेगी तो हम access करेंगे car object dot engine object dot information, right? या function. इसी तरह student has a name तो हम करेंगे student dot name dot get first name, ठीक है, या set first name. तो हमारे पास एक्चुअली सेंस भी बनती है कि स्टूडेंट के अंदर उसका नाम है और उस नाम को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रिलेशनशिप बन रहा है, ये रिलेशनशिप हमारे पास है कंपोजिशन का। लेकिन दूसरे एंगल से देखें तो कुछ क्लासेस इसके अलावा भी रिलेट हो सकती हैं किसी और तरह से। तो वो रिलेशनशिप क्या है? वो रिलेशनशिप असल में इस तरह से डिफाइन है कि हम जब इज आ कह रहे हैं, अ कार इज अ टाइप ऑफ व्हीकल। अब जो व्हीकल है ये बहुत जनरल टर्म है, इसमें बहुत सी चीजें आ सकती हैं, इसमें ट्रक्स भी आ सकते हैं, कार्स भी आ सकते हैं, इसमें मे बी मोटरसाइकिल्स भी आ सकते हैं, कैरी वैन्स भी आ सकती हैं, बसेस भी आ सकती हैं। इन व्हीकल्स में से एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल इसे कार कहते हैं, जिसकी अपनी फंक्शनैलिटी शायद बाकी व्हीकल से डिफरेंट है। मे बी उसकी रीजन ही कुछ हो रहा है कि आपने कार को एक डिफरेंट वे में यूज करना है और ट्रक को किसी डिफरेंट वे में यूज करना है। तो व्हीकल में वो सारी कॉमन फंक्शनैलिटी जो हर ऑटोमोबाइल में होगी वो डाली हुई है। जब कार का, कार की नई क्लास डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे व्हीकल वाली बात करें, जो एग्जांपल कार इज अ व्हीकल है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमने एक कॉमन फंक्शनैलिटी व्हीकल की क्लास में ऐड कर दी। में भी हमने कहा जी कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, मैं इस एग्जाम्पल को शेजिल बाद में देखता हूँ, एक मिनट मुझे ये वाली एग्जांपल क्लियर करने पे मैं आपके उस के ऊपर आता हूँ। अच्छा जी, तो व्हीकल में भी आपने कहा जी कि अच्छा जितनी भी ऑटोमोबाइल्स होंगी सबका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सबकी कोई इंजन पावर होगी, सबका कोई कलर होगा, मे बी सबकी कोई कैपेसिटी होगी, मे बी फ्यूल टैंक का साइज होगा, ठीक है, कैपेसिटी थी सीटिंग कैपेसिटी पे, फ्यूल टैंक का साइज था, मे बी माइलेज थी, और इस तरह की बहुत सारी चीजें आपने, या मे बी उनका जो पीरियोडिक चेकअप है उसकी कोई डेट है गाड़ी की, जो भी व्हीकल है, तो ये सारी कॉमन इन्फॉर्मेशन है या कॉमन फंक्शनलिटी है जो सारे के सारे व्हीकल्स में डेफिनेटली होती ही है। तो इसके बाद जब हम कार की बात करें तो शायद कार के पास कोई स्पेशल फंक्शनलिटी भी है, ठीक है, कार के पास शायद ये फंक्शनलिटी हो सकती है कि आपने जो सिस्टम बनाया, मे बी वो कोई किसी जगह रेसिंग में यूज हो रहा था, तो आपने कहा जी अच्छा जो जितनी भी कार्स हैं ये रेस करती हैं, इनकी रेसिंग का रिकॉर्ड मैं अपने पास स्टोर करूंगा।
इसके मुकाबले में उसी सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन वाली ट्रक्स हैं जो कि मे बी इन कार्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाते हैं फॉर एन इवेंट। तो वो जो ट्रक्स हैं वो उनका कोई रेसिंग का रिकॉर्ड नहीं होगा, हाँ लेकिन उनका मे बी कंजप्शन का, फ्यूल इकोनॉमी का और उनकी पीरियोडिक मेंटेनेंस का रिकॉर्ड जरूर होगा। ठीक है, तो व्हीकल कॉमन क्लास थी जिसमें सारे रजिस्ट्रेशन नंबर कलर शलर पड़े हुए थे, लेकिन जब हमने स्पेशलाइज्ड वर्जन निकाले तो ट्रक की कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी थी, कार की कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी या रिकॉर्ड्स थे जो कि उसने अपने पास मेंटेन करने, लेकिन कॉमन चीजें इनहेरिट की, बाकी आगे जो कोर था वो खुद लिखा। ठीक है जी, इसी तरह स्टूडेंट की जब इंफॉर्मेशन है, एवरी पर्सन हैज मे बी नेम, तो जैसे हमने ऊपर स्टूडेंट हैज अ नेम कहा था, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें टीचर्स भी हैं, उसमें फैकल्टी भी है, स्टाफ मेंबर्स भी हैं, सब कुछ है, मे बी यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, तो सबका नाम होगा, सबकी बायोडाटा पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, तो हम एक पर्सन की कॉमन क्लास बना लेते हैं, उस क्लास के अंदर हम रख देते हैं कि नाम और इस तरह की सारी चीजें होती हैं। तो बच्चों मैं आपके क्वेश्चन को जानबूझ के होल्ड करो, अभी वेट करें आप, ठीक है, ये जो क्वेश्चन हैं इनको भी एटलीस्ट मुझे ये रिलेशनशिप डिफाइन करने दें, फिर हम इसके सारे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या कुछ इनहेरिट होता है क्या कुछ नहीं होता। इनफैक्ट मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर भी चुका हूँ, जितने भी डाटा मेंबर सब इनहेरिट हो जाते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट भी तो डाटा मेंबर्स हैं तो इनहेरिट तो हो ही नहीं डेफिनेटली। ठीक है, कैसे होते हैं ये, मतलब उनके साथ क्या क्या रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, वो ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम इनहेरिटेंस पढ़ते जाएंगे हमें क्लियर होता जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अच्छा स्टूडेंट इज अ पर्सन में मैंने कहा जी कि पर्सन जो है इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉमन पड़ी हुई थी, जिसमें बायोडाटा पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती, फिर उसके बाद आपने कहा जी कि अच्छा एक स्पेशलाइज्ड टाइप का पर्सन है जिसे स्टूडेंट कहेंगे, इसके हमारे एजुकेशन के रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे पास पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब एग्रीगेशन, अब वो वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि क्या यहाँ पे एग्रीगेशन हो सकती थी कि नहीं, या यहाँ पे कंपोजिशन हो सकती थी कि नहीं हो सकती। देखिए अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि ये आप एग्रीगेशन करते तो आप कार का एक ऑब्जेक्ट बनाते, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाया आपने फॉर एग्जांपल कार वन, अब आपने उसके अंदर एग्रीगेट या उसके अंदर कंपोज किया हुआ व्हीकल का ऑब्जेक्ट, तो आप कैसे कॉल करेंगे फॉर एग्जांपल उसका रजिस्ट्रेशन नंबर गेट करने के लिए, आप कहेंगे कार डॉट व्हीकल, ये कार वन डॉट व्हीकल डॉट गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं ये तो सेंस ही नहीं बना रहा, क्या कार वन डॉट व्हीकल वन डॉट गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर तो कार की अपनी इंफॉर्मेशन है ना,